नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बासमती धान के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा बासमती धान के कुछ किस्मों के ऊपर जिनको बो के आप अच्छी उपज ले सकते हैं। तो एकदम लास्ट तक वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटे वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धान की नर्सरी तैयार करने का समय आ रहा है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ किस्मों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं पूसा बासमती 1121 के बारे में। इस वीडियो में मैं बासमती के बारे में ही बात करने वाला हूँ आपसे। तो पूसा बासमती 1121 जो इसकी बुआई का समय होता है वो 20 मई से और 15 जून तक माना जाता है अच्छा समय इसकी बुआई का। तो अगर आप भी इसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो इस बीच में कर सकते हैं। अगर उपज की बात की जाए तो 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी उपज हो पाती है। और अगर बात की जाए कितने दिन में ये तैयार होता है, तो पूसा जो 1121 है वो 140 से 145 दिन में आपका फसल पक के तैयार हो जाता है। तो अगर आप बोना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1121 ये सबसे बढ़िया बासमती मानी गई है। इसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी होती है, काफ़ी ज़्यादा कीमत पर आपको अगर आपको बेचना है तो ये बिक जाता है। तो नंबर एक पे पूसा बासमती 1121 हो गया हमारा। और नंबर दो पे बात करते हैं पूसा बासमती 1509। इन सबके बारे में आपने सुना जरूर होगा अगर आप खेती करते हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको नहीं पता है वो इनका उत्पादन ले सकते हैं, इनको बो सकते हैं। तो पूसा बासमती 1509 इसकी बुआई भी 20 मई से 20 जून तक की जा सकती है। अगर बात की जाए उत्पादन की, तो इसकी उत्पादन आपकी जो पहले मैंने बताया 1121 से ज़्यादा है। इसका उत्पादन जो है वो 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ है और 1121 का उत्पादन जो उपज है वो 18 से 20 क्विंटल है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा उपज देती है और इसकी फसल भी काफ़ी कम दिन में तैयार हो जाती है, 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं, पूसा बासमती 1509 को भी आप बो सकते हैं। ये दो किस्में मैंने खासतौर पर आपको बताई हैं, दो किस्में हर जगह पर अगर कम पानी है वहाँ भी हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत देखभाल आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन इन दोनों प्रजातियों से आप ले सकते हैं। बाकी कुछ प्रजातियाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरे नंबर पे बात करते हैं 1728 की। 1728 भी बासमती की एक प्रजाति है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उपज रहती है और 140 से 145 दिन में ये फसल आपकी तैयार हो जाती है। तो अगर आप बोना चाहें तो इसको भी बो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूसा 1718 की। पूसा 1718 भी आप बो सकते हैं, 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी उत्पादन रहेगा और 135 से 40 दिन में ये आपकी फसल तैयार हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पांचवें नंबर पे बासमती 10 की। बासमती 10 की भी बुआई आप कर सकते हैं, 15 क्विंटल इसका उत्पादन रहेगा और ये भी 135 से 40 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो पाँच प्रजातियाँ मैंने बताई है, इनमें से दो प्रजातियाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ज़रूर लगाएँ। पहले नंबर पे मैंने जो बताया था 1121 पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509 और 1121, ये दो प्रजातियाँ काफ़ी बेहतर प्रजातियाँ हैं अगर आप बासमती चावल बोने के शौकीन हैं, खाने के शौकीन हैं, फिर बिक्री के लिए बोना चाहते हैं, तो इन दोनों प्रजातियों का चयन आप ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।